और देखिए लोकसभा के अंदर राहुल गांधी के हिंदू विरोधी बयान का असर अब सदन के बाहर भी नजर आ रहा है। देश के कई हिस्सों में राहुल गांधी के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। अहमदाबाद में हालात ऐसे हो गए कि बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर पथराव भी हो गया। जी हां, राहुल गांधी ने जो बयान दिया था उसको लेकर के जगह जगह राहुल गांधी के बयान को लेकर के विरोध प्रदर्शन हो रहा है। दिखाते हैं आपको ये पूरा मामला क्या है। पुलिस के बैरिकेड की एक तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता। दोनों ही तरफ से जमकर नारेबाजी हो रही है। हालात ये है कि एक तरफ से कांग्रेस के कार्यकर्ता बैरिकेड तोड़कर दूसरी तरफ नारेबाजी कर रहे बीजेपी के कार्यकर्ताओं से भिड़ जाने पर आतुर हैं और पुलिस किसी तरह से दोनों को संभाल रही है। दरअसल ये पूरा बवाल सोमवार की रात उस समय हुआ जब संसद में दिए गए राहुल गांधी के हिंदू विरोधी बयान से नाराज बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस दफ्तर में राहुल गांधी के पोस्टर पर गाली फोड़ दी और तालेबंदी कर दी। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को इसी हरकत को लेकर सुबह से ही गहमा गहमी चल रही थी और दोपहर होते होते हालात ये हो गए कि बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने खड़े हो गए। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी हाय हाय के जमकर नारे लगाए, तो दूसरी तरफ से संविधान बचाओ जैसे नारे गूंज रहे थे। हालात तब और बिगड़ गए जब दोनों तरफ से जमकर पथराव होने लगे और इस दौरान वहां पर मौजूद कुछ गाड़ियों को नुकसान भी पहुंचा। हालात ऐसे बढ़ गए कि पुलिस के जवानों को भी खुद को बचाना पड़ रहा था। हालांकि बाद में पुलिस ने दोनों तरफ से कुछ लोगों को हिरासत में लिया है, साथ ही इलाके में शांति भंग करने के मामले में केस भी दर्ज किया गया है।